सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज इस शॉर्ट में हम आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 रीजंस टू बाय दिस वन। सबसे पहले इसकी लुक्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज कि इस पे ना हर कोई बंदा सूट करता है, एंड इसकी जो प्रेजेंस है ना, रोड प्रेजेंस काफी अच्छी लगती है। आजकल के लोग बुलेट को पता कैसे जज करते हैं, मतलब हाई एंड गाड़ी है, काफी अच्छी खासी इज्जत आपको इससे मिल जाएगी। एंड इसका कलर, मतलब बाय गॉड काफी ज्यादा प्यारा कलर है, स्टेल्थ ब्लैक या मैट ब्लैक, जो भी कहना है कह लो। तो जो हमारा सेकंड रीजन है वो है इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी। मतलब जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की बिल्ड क्वालिटी होती है ना, वो बिल्कुल टॉप नॉच होती है। किसी भी बाइक से कंपेयर कर लो, बिल्कुल फुल मेटल में सभी पार्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको ना अगर बाइक गिर भी जाती है ना, तो उतना ज्यादा कुछ खास डैमेज इसमें पहुंचता नहीं है, तो ये एक काफी अच्छी बात हो जाती है। तो जो हमारा थर्ड रीजन है वो इस बाइक की कंफर्टेबिलिटी। मतलब अगर आपको एक ऐसी क्रूजर बाइक चाहिए जिसमें आपको काफी अच्छा कंफर्टेबल फील आए, एंड अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है, तो ये वाली बाइक आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगी। बिकॉज कि मैं सुपर बाइक स्पोर्ट्स बाइक ऑन करता हूँ, तो उसमें ना बंदे की हालत खराब हो जाती है, पूरा बम लाल हो जाता है अगर आप लॉन्ग राइड करते हो। तो ये वाली बाइक काफी अच्छी है लॉन्ग राइड के लिए, काफी ज्यादा आरामदायक है। मैंने आज चलाई, बाय गॉड काफी ज्यादा मजा आया। सो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो इस बाइक की एग्जॉस्ट नोट। मतलब स्टॉक में ही मैं बात करता हूँ, तो इसमें स्टॉक में ही काफी अच्छी एग्जॉस्ट साउंड आपको देखने को मिल जाती है। मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, ऐसे करके इसका। तो इस गाड़ी का थंप आप चेकआउट कर सकते हो, मतलब जो बेस इसकी एग्जॉस्ट नोट में है ना, वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। और आपको तो पता है ये बुलेट अपने नाम से ज्यादा अपनी आवाज में मशहूर है, और अगर फिर आप आफ्टर मार्केट में जाते हो तो फिर तो तबाही होने वाली है। सो जो हमारा लास्ट है वो है जो ये स्टेबल रहती है ना बाइक। मतलब अभी तक मैं बिल्कुल यहाँ पहाड़ों वाले मोड़ों से आ रहा था, मतलब बाइक एक इंच नहीं हिली है, इतनी ज्यादा स्टेबल रह सकती है। आप कितना भी ज्यादा लीन कर लो, इतनी सी भी नहीं हिलेगी। मतलब ये मुझे इस बाइक की काफी अच्छी बात लगती है। पता नहीं फिर वो स्टेबल किस वजह से रहती, इसका वेट ज्यादा होने की वजह से या फिर और कुछ रीजन हो गया, और टायर भी इतना खासा मोटा है नहीं, बट इसकी स्टेबिलिटी ना नेक्स्ट लेवल है। सो होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।